हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी स्ट्रेटेजी टेक्निकल चैनल पे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत देर के बाद जो है, बहुत दिनों के बाद जो है, आज मैं वीडियो डालने वाला हूँ। क्योंकि आज जो है मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यहाँ पे Redmi Note 6 Pro के बारे में। और आज जो है मेरे पास दो तीन फ़ोन है, जी हाँ दोनों वही है सेम। और आज जो है इस तीनों फ़ोन का मैं अनबॉक्सिंग नहीं, अनबॉक्सिंग सिर्फ एक का करने वाला हूँ। तो आज जो है ये मेरे पास 464 का वेरिएंट है, तो इसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और क्या क्या इसकी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स मैं आपको एक एक करके बताना हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और गिव अवे करूँ या ना करूँ नीचे कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि मेरी आज तक अभी मैंने जितनी भी सारी वीडियो डाली है, आप लोगों से बहुत सारे लोगों का कहना था यार आप फेक गिवे करते हो। लेकिन फेक गिवे मैं क्या करूँ, मेरी जो टारगेट होती है वो आप लोग कंप्लीट ही नहीं करते हो। मुश्किल से मैं 10,000 का लाइक का टारगेट रखा था, वो भी आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो जाइए जल्द से जल्द पार्टिसिपेट कीजिए। क्या पता आप में से Y2 का है और Realme 2 का है, तो वो दोनों तो काफ़ी पुराना हो गया। तो अब जो है मैं इसकी गिवे सोचता हूँ कि स्टार्ट करूँ, लेकिन आप लोग जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करना। और क्या पता आप में से दो तीन लकी विनर जो है ये फ़ोन जीत जाएँ, ठीक है। तो दो तीनों जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, Redmi Note 6 Pro है। और जाइए जितना जल्दी होगा पार्टिसिपेट करना। और आज जो है मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इसकी क्या क्या डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। क्या ये फ़ोन जो है नोट 5 को टक्कर देगा या नहीं देगा? अगर देखा जाए तो दोनों फ़ोनों में जो सिमिलरिटी है कुछ खास उतना नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा कि बहुत ही बेहतरीन सेट है। यहाँ पर आपको नॉच देखने को मिलता है, और यहाँ अगर मैं नोट 5 प्रो की बात करूँ तो वहाँ पर आपको नॉच देखने को नहीं मिलता था। तो ये सारी डिटेल्स थी इस दोनों फ़ोन में। बैटरी सिमिलरिटी की बात करूँ तो बैटरी भी सेम है, रैम वगैरह 64 वाला है, कलर भी यहाँ पर रेड ब्लू ब्लैक और गोल्ड है, चार कलर जो आपको नोट 5 प्रो में देखने को मिलते थे। और प्रोसेसर भी यहाँ पे 636 का स्नैपड्रैगन का देखने को आपको मिलता है, कुछ 60 यहाँ पे होता है, 660 का प्रोसेसर होता, तो कुछ यहाँ पे और भी बहुत बेहतरीन बात होती। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये फ़ोन की क्वालिटी मैं बोलूँगा बहुत बेहतरीन है। और नोट 5 प्रो हो गया या फिर और भी रियल मी 2 प्रो हो गई, तो वहाँ पर अगर रियल मी 2 प्रो की बात करूँ तो उसकी बैटरी एम एच जो है 4200 mAh की बैटरी है, और यहाँ पर आपको बैटरी एम एच देखने को मिलता है जो कि बहुत मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन तब भी देखा जाए तो बैटरी एम एच जो है इसकी बहुत कम है। उसके अकॉर्डिंग में देखूँ Redmi 2 Pro की या फिर Realme का C1 है, और Realme U1 भी जो है वो लॉन्च हो चुका है। और आज ही के दिन जो है उसकी यहाँ पे कल उसका लॉन्चिंग था, और 5 तारीख को 5 दिसंबर को उसकी सेल स्टार्ट होने वाली है। Flipkart पे 332 का 11 समथिंग प्राइस है, और अगर आप 464 लेते हो तो वहाँ पर आपको 14,000 के आसपास या 15,000 के आसपास उसकी प्राइस होने वाली है। तो जाइए जल्द से जल्द पार्टिसिपेट कीजिए। और आज जो है मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो वो दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, अपकमिंग वीडियो जो कि इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाता है। इसके लिए मैं सॉरी आपसे बोलना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ अपने चैनल पर, और कुछ अगल बगल की नॉइस वगैरह आ रही होगी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। चूँकि मैं छत पर वीडियो बना रहा हूँ, और रूम पर यदि मैं बनाता तो ऑब्वियसली बहुत साउंड क्लीन होता, लेकिन छत पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखिए कैसा लगता है। इस दोनों फ़ोन का कंपेयर मैं करने वाला हूँ, कंपेयर तो ऑलरेडी मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और गिववे भी इस तीनों फ़ोनों का मैं गिववे करने वाला हूँ, जी हाँ। तो जाइए पार्टिसिपेट कीजिएगा आने वाले वीडियो में, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि गिववे मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स वाचिंग इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपकी हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, और ऑब्वियसली मैं सोचूँ तो दे ही सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।